और अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाराणसी में निर्मित या निर्माणाधीन जो भी अपार्टमेंट हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, उनकी दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। मैं लगातार उनको अवेयर कर रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, फायर अफसर भी नोटिस दे रहे हैं। इवन देन जो रिस्पांस चाहिए वो रिस्पांस हमको नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत ये ज़रूर हो रही है कि हमारे पास स्टाफ कम है और ड्यूटी ज़्यादा है। सूर्या अस्पताल गए, उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आई। जैसे हमारे गाड़ी को पहुंचने में ही विलंब हुआ, फायर स्टेशन भेलूपुर से 2 गाड़ियां हमने डिप्लॉय किया था, वो भी जाम में फंस गई। चेतगंज से 3 गाड़ियां जा रही थी, वो भी जाम में फंस रही थी। हम स्वयं गए, अंत में गाड़ी छोड़ के पैदल दौड़ के पहुँचे। हमारी हाइड्रोलिक अगर उस वक्त पहुँच जाती जब हमको सूचना मिली तो शायद स्थिति दूसरी रहती। लेकिन सब कुछ के बावजूद हम इसका दोष सिर्फ और सिर्फ डेवलपर, ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑक्यूपायर को देंगे, इसलिए कि उसमें जो अग्निशमन के साधन उपलब्ध थे वो बिल्कुल अकार्यशील थे, कोई भी उनका संसाधन चल नहीं रहा था। महमूरगंज स्थित विराट ऐश्वर्या बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगने की वजह से तुलसियान परिवार का एक चिराग बुझ गया। वहीं आपको बताते चले कि अग्निशमन विभाग ने लगभग 200 बिल्डिंगों को नोटिस भी जारी किया था और अब अग्निशमन विभाग हरकत में आते हुए फिर से नोटिस जारी कर रही है। अग्निशमन विभाग ने जहां 200 बिल्डिंगों को नोटिस दिया है, वहीं आपको सुनकर आश्चर्य होगा उन 200 बिल्डिंगों में सरकारी अस्पताल और बिल्डिंग भी शामिल हैं। अमित दत्ताई, टीवी, वाराणसी।